सुबह से यहीं पर बने हुए है और देखते हैं, अभी काफी पार्षदों ने इस्तीफा भी दे दिया है और सुबह से हम यहीं पे है, देखते हैं आगे आगे क्या होगा। अभी तो सुधारने को जिला नहीं बना है, लेकिन एक से दो दिनों में जिला बन जाएगा। बने रहे हमारे ब्लॉग के साथ, ऐसे ही आपको जानकारियां सारी मिलती रहेगी यहाँ की। विधायक सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं है, विधायक सुजानगढ़ के 3 लाख वोटों को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उसको विधायक कहते हैं, जो कांग्रेस विधायक नहीं कहते हैं। किसी भी पार्टी का आदमी सबका नेता वो है, इसलिए हम उनको गालियां निकाल रहे कि जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। और अब रही सिराज की बात, तो सिराज शाहिद है, सिराज सिराज भाई तो शाहिद की बात मैं पहली क्रांतिकारी साथियों, हमारे पास सुजानगढ़ के 10 पार्षदों की सूची आई है जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं सुजानगढ़ जिला बनाने के समर्थन में। सराद गाजी पार्षद, मनोनीत पार्षद है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इकबाल गाजी पार्षद ने इस्तीफा दे दिया है। पार्षद प्रतिनिधि अमजद गांधी के विशेष पार्षद है श्री, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। अमजद गांधी आप इधर आ जाओ, सारे ऐसे मुकुल मिश्रा के पार्षद है, उन्होंने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। पार्षद पद से इस्तीफा दिया है, पार्षद पद से
पार्षद पद से इस्तीफा दिया है। विजय जी पटेसर पार्षद है, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। असीम गांधी नसवान, इन्होंने भी इस्तीफा दिया है। राकेश सिंह तंवर पार्षद, बिलाल जी बुरान, हमारे बिलाल बुरान नेता जी, हमारे बिलाल बुरान ने कितना बड़ा त्याग किया है। ये वास्तव में बिलाल धन्यवाद का पात्र है, इसका तालियां बजा करके स्वागत कीजिएगा। सोनू में वाला आठ नंबर 43 से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मधु जी बागेसा, इन्होंने भी पार्षद पद से इस्तीफा दिया। बैटरी पार्षद तीन बार जीते हुए पार्षद रही, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। साथियों, रुझान आने शुरू हो गए। 10 पार्षद ने इस्तीफा दिया है। मुझे लग रहा है सुबह तक अभी एक पार्टी की मुर्दाबाद लगा रहे थे, दूसरी पार्टी का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे लग रहा है कि सुजानगढ़ जिला बनाने को लेकर के हमारे 60 वार्ड है, कल तक शायद मेरे को ऐसा एहसास हो रहा है कि साथ के साथ पार्षद है वो इस्तीफे दे देंगे। और ये तो और भी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अब शुरुआत हुई है यहां से सरपंच, पंच प्रतिनिधि, ब्लॉक मेंबर, जिला परिषद सदस्यों की बाहर आ जाएगी कल तक इस्तीफा देने वालों की, क्योंकि ऐसे रुझान मिल रहे हैं। पर्ची वाले दिन मिलो मैंने अभी लेट हो अभी मोबाइल जाओ भाई और आईडी छोड़ दी सुने एक कर तो मैं वापिस देकर गाड़ू गाओ मैं जोरू का गुलाम हूँ नहीं है किला नहीं तो मनोज मेघवाल भी यहाँ नहीं। सुजानगढ़ में एंट्री नहीं लड़ती है। हमारे शेर सिंह जी भाटी ने एक वादा किया था, बोला जब भी विधायक यहाँ आएगा तो मैं उसका मुंह काला करूंगा। क्या बात है, आदमी इनको याद लेना चाहते हैं कि आपको खबर में दूंगा कि विधायक किस रास्ते से आ रहा है। और कईयों ने तो यह तक कहा कि उनके मुंह को थूकेंगे। क्या बात कही है, रोज क्या मेरे विधायक ऐसा होना चाहिए। और मैंने तो यह कहा कि मैं तो जेल जाने से नहीं सकता,